भारत माता की जय। सर किस चीज की तैयारी हो रही है? अभी जो है बिहार दरोगा की तैयारी हो रही है इस गर्दनी बाग में, जो कि इसी में फिर से दौड़ होना है। तो अभी हमारे बच्चे जो है बिहार दरोगा का है और कुछ जो बिहार पुलिस का है, तो आपको इधर लड़का दिखना होगा और उधर लड़कियाँ दिख रही, ठीक है? तो आपको उधर उससे भी हम आपको बात कराएंगे और अभी हमारे लड़के बताएंगे किस तरह से तैयारी चल रही है और किस तरह तैयारी की है पढ़ाई में, उस तरह का लेवल का आपको बताएंगे। हुआ है दोनों होने के बाद पीटी होगा। अब पीटी आपको 28 तारीख से होने वाला है, तो ये कंफर्म डेट नहीं है, लगभग हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि हो, और शायद अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नए लड़के सब है, शरीर को प्रॉब्लम हो रही है, घुटना दर्द, शरीर का पेन हो रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लॉन्ग पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग दौड़ाने का, क्योंकि उससे लड़के लोग इंजरी ना हो। तो हमारे लड़के से पूछिए कि किस तरह का तैयारी है, उसके बाद हम बताएंगे। उससे पहले सर जो आप बोल रहे थे नए उम्र के लड़के जिनका एज लास्ट पहुंच जाता है, उनके साथ क्या परेशानी होती है और उससे कैसे दूर किया जाए? जिसका ले जो एज है लास्ट चला जाता है, पहला नंबर तो क्या है कि तैयारी करते करते जब वो अभी दौड़ नहीं कर पाते, फिजिकल नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों का वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ने के कारण वो लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, और जब ग्राउंड पे आते हैं तो उनके पास टाइम कम मिलता है, उनके पास 25 दिन का टाइम मिलता है रिजल्ट के बाद। अभी तक का जो पीछे वाला जो दरोगा लिया गया था उसमें लड़के लोग का 21 दिन लिया गया, 21 दिन में लड़के लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोग पढ़ाई पे सबसे पहले फोकस करते हैं, क्योंकि उसका मेन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें नंबर जब तक नहीं लाएंगे तो उनका मेरिट नहीं बनेगा। डाइट क्या लेते हैं आप लोग? डाइट में मॉर्निंग में हम लोग चना लेते हैं, फ्रूट लेते हैं उसके साथ, फिर अंजीर खाते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में रोटी खाते हैं, और फिर शाम में हम दो अंडा खाते हैं। और क्या वैकेंसी आ रही है सरकार के तरफ से, उतना जितना की अभ्यर्थी हैं उस कंपैरिजन में वैकेंसी आती है? फिलहाल तो वैकेंसी आ रही है लेकिन आएगा पता नहीं। अच्छा, आने की संभावना है, बढ़ सकती है नहीं 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 सुबह में चना फूल लेते हैं और बड़ा बादाम लेते हैं, किशमिश लेते हैं, और फिर अंडा भी लेते हैं, पनीर, सोयाबीन जो आते हैं, जो शाकाहारी हैं उनके लिए पनीर सर और हाई जंप के बारे में भी हमने कभी आज तक हाई जंप नहीं किया, लेकिन सर की टेक्निक के द्वारा पिछले 3 दिन में 3.6-3.8 के आसपास हम लोग हाई जंप कर जाते हैं। समय है क्योंकि रिजल्ट आने में अभी टाइम है, आने वाला था लेकिन आया नहीं, 8-9 तारीख को सुनने में आ रहा था पर अभी तक नहीं आया है, आने के बाद 21 दिन देता है, शायद अभी आचार संहिता लगने वाला है, अगर आचार संहिता के बाद अगर दौड़ लिया जाए तो फिर समाज हमारे लिए लड़के लोग के पास दो महीना टाइम मिल जाए, 2 महीना मिलता है तो अच्छे तैयारी कर लेंगे। क्या अभी तो 10 दिन में बहुत अच्छा खड़ा है, यहाँ सिर्फ एक ट्रेनर नहीं, तीन ट्रेनर रहते हैं, तीनों भैया सब बच्चे को कोऑपरेट करते हैं। नहीं, आप लोगों के पास चुनौतियाँ क्या आती है, क्या इंजरी चुनौती है, डाइट चुनौती है या कंपटीशन चुनौती है, उसके विषय में कौन बात करेगा? इंजरी चैलेंज होता है लेकिन सर के टेक्निक के द्वारा जो भी फॉलो करता है वो जल्दी रिकवर कर जाता है, कि मेन ज्यादा एफर्ट लगा दीजिएगा तो आपको इंजरी होना ही होना, ये सर भी कहते हैं, लेकिन इनके टेक्निक के माध्यम से जो करेगा वो रिकवर। तकनीक जरूरी, सर की टेक्निक के माध्यम से। और कोई पीछे दीजिए, पढ़ाई ज्यादा कठिन है या फिजिकल ज्यादा कठिन? सर दोनों कठिन है, अगर ताकि आदमी अगर दोनों अगर अच्छे से करे तो दोनों मतलब अच्छे से पढ़ाई भी। टाइम समय सीमा किस में ज्यादा मिलता है, पढ़ाई में या फिजिकल? समय तो पढ़ाई के भी बहुत शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिजिकल की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, क्या इसका एक कारण यह भी है कि स्कूल टाइम में स्कूलों में ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि फिजिकल पे उतना फोकस नहीं है, वहाँ एजुकेशन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस है, फिजिकल एजुकेशन पे फोकस नहीं है?
एसआई की तैयारी कर रहे हैं आप, क्या चुनौतियां आती हैं आप लोग? सर गर्ल्स को सबसे बड़ा है लॉन्ग जंप के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है, क्योंकि अचानक हम लोग घर में बैठे बैठे ग्राउंड में आ गए हैं फिजिकल करने, तो हम लोग को ये थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है। क्या ये इस कारण से भी है कि स्कूल्स में फिजिकल पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता? बिल्कुल, स्कूल में फिजिकल पे ध्यान नहीं जाता बेस, खासकर लड़कियों को सर हम लोग 5th-6th के बाद तो खेलना भी बंद कर देते हैं, ग्राउंड में आना बंद कर देते हैं, और फिर ऐसे कंपटीशन आता है तो अचानक से फील्ड में आते हैं, सबको पेन ये वो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। सर सबका अपना अपना पसंद होता है, और मेरा बहुत है मतलब इंटरेस्ट है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ या फिर पुलिस में जाऊँ, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ सर, और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ सभी इंटरेस्टेड हैं, तभी इतना मेहनत किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाजिया। नाजिया जी, कैसी तैयारी चल रही है एसआई फिजिकल की? तो बहुत अच्छे से चल रही है तैयारी फिजिकल की। क्या श्योर है कि इस बार क्लियर हो जाएगा? हाँ, इस बार कॉन्फिडेंस के साथ है कि मेरा फाइनल हो जाएगा। क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? चैलेंजेस है कि थोड़ा रनिंग में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होता है, बाकी लॉन्ग जंप हाई जंप में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। रनिंग से पहले तो ये गुनगुना पानी पीते हैं और एक खजूर खा के आना चाहिए, और रनिंग के बाद रनिंग कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद जब घर जाते हैं तो चना मूंग सोयाबीन का दाना अंजीर ये सब खाते हैं हम लोग। जैसे कि हम जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहला क्रिया होता है कि हम लोग अपने बॉडी को जो मलमूत्र है थोड़ा सा उसको हटाना, तो उसमें हम करते क्या है, पहले एक गिलास गर्म पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद उसमें क्या करते हैं थोड़ा सा मध डालते हैं, मध डालने के बाद उसको पी लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट थोड़ा टहलते हैं, उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो लड़के वजन ज़्यादा होता है, जो लड़कियाँ या लड़का वजन ज़्यादा होता है उसको क्या होता है, वजन को कम करता है ये आपको मध और गर्म पानी। दूसरा चीज़ कि फ्रेश होने में भी नॉर्मली अच्छा रहता है, क्योंकि जब दौड़ने आते हैं तो हम लोग का दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा बाथरूम लग जाता है, इसके कारण दिक्कत होता है, डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए हम लोग गर्म पानी पीते हैं, इससे फ्रेश होता है। दूसरा चीज़ कि जब हम इधर से जाते हैं तो फिर क्या खाते हैं, और उसके साथ जब हम दौड़ते हैं तो हमको क्या होता है कि दौड़ते टाइम पसीना ज़्यादा निकलता है, निकलने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा हरासमेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या इलेक्ट्रोड पाउडर रखते हैं, और उसके साथ 1.5 लीटर का कोई बोतल रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं। तो लड़के लोग को क्या कहते हैं कि कोशिश करना है कि ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि सीन पेन ना हो, क्योंकि लोग का सीन पेन ज़्यादा होता है, तो हम सब कोशिश करते हैं कि पानी पिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग सुबह 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी पिला देते हैं, और शाम में भी कोशिश करते हैं 1.5 लीटर पानी लोग पिए। उसके बाद इधर घर जाते हैं, उसके बाद हम लोग चना मूंग सोयाबीन का बीज खजूर और अंजीर और बड़ा बड़ा वाला जो बादाम होता है पिस्ता बादाम, हम उसको लेते हैं। लड़के लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाइट और चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं जब टाइम कम रहता है तो लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जूस लेने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग जूस का ज़्यादा करते हैं प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रात में जो सोने के टाइम जैसे लोग का दर्द होता है बॉडी में, तो हम लोग 1 गिलास दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर थोड़ा सा गुड़ डालकर उसको पीने का कोशिश करते हैं, जिसकी कुछ लोग नहीं पी पाते हैं, लेकिन हम लोग उसको बार बार कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पीजिए, क्योंकि ये जो बॉडी का जो हम लोग का दर्द होता है उसको कम होता है ये हल्दी से, तो हम लोग ये करने का कोशिश करते हैं।